भरतपुर रोड चेक पोस्ट के सामने बस में लगी आग। मथुरा में रात के समय भरतपुर रोड चेक पोस्ट के सामने बस में आग लग गई। ये मामला मथुरा के मेन रोड भरतपुर का है, जहां पर चलती बस में रात के 2 बजे अचानक आग लगने से बस में हड़कंप मच गया और यात्रियों की चीख पुकार निकलने लगी। ये बस दिल्ली से कोटा की तरफ जा रही थी। बस की छत पर बच्चों के खिलौने और सामान रखा हुआ था। बिजली के करंट की वजह से बस में आग लगी थी। आग बस में करीब 60 श्रद्धालु बैठे हुए थे। आग लगने से करीब लाखों रुपये का नुकसान हुआ और सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की बहुत सी गाड़ियां पहुंची और आग पर नियंत्रण कर श्रद्धालुओं को बचाया और घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया गया। मीडिया प्रभारी ललित अग्रवाल, ब्रज प्रांत ब्यूरो चीफ क्राइम रिपोर्टर भारत कुमार रावत की खास रिपोर्ट। जल्दी यहाँ पे पहले। हेलो हेलो, कहाँ की घटना है? और भरतपुर रोड की। क्या हुआ था? कुछ नहीं, ये बस निकले जा रही तो एक संग इसमें ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ था। पता नहीं कैसे हुआ, तो इसमें आग लगी थी। तो आग लगते हुए गाड़ी चल रही थी तो हमें दिखी, तो हमने बोला कि आग लगे, बस सवारी सब निकलवाई थी। इसमें बहुत आग जली थी, फिर पानी वगैरह व्यवस्था करी, व्यवस्था नहीं थी। पर उन्होंने पीछे आई, मौके पर हम थे, हमने समर्पण चलाई, ये पानी वगैरह इसकी आग वगैरह बुझाई थी सभी, तो सामान वगैरह सभी हटवाया था। फिर 100 नंबर फ़ोन करा था, फायर ब्रिगेड वगैरह आई थी, सब आए थे, फिर सबों ने सहयोग करा और सवारी वारी कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। और थोड़ा सामान का नुकसान हुआ, जो पार्सल वगैरह जाते हैं वो नुकसान हुआ और वैसा सही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका कार्ड क्या रहा? आपका इसका अभी पता नहीं चला आपका क्या काम था। कोई इलेक्ट्रिकल सामान वगैरह ये सब थी इसके, से कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ हो, कुछ भी कोई आइडिया नहीं। कितनी सवारी थी इसमें? सवारी पक्की नहीं है इस चीज़ की, सवारी यहाँ पक्की नहीं सवारी, क्योंकि भीड़ भाड़ हो गई थी एक संग, तो पता नहीं कौन सवारी कौन पैसेंजर है कौन ये। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये शायद दिल्ली से आ रही थी, जयपुर वाली तरफ जा रही थी। हाँ, दिल्ली से आ रही, दिल्ली से कोटा, दिल्ली से कोटा जा रही थी। मेरा नाम है दिलीप कुमार साह। कहाँ के रहने वाले? बिहार से। अच्छा जी, जो भरतपुर रोड पर जो आग लगी है बस में, कहाँ से कहाँ जा रही थी, कितनी सवारी थी इसमें? सवारी ज़्यादा नहीं था, 25-30 सवारी रहा होगा बस। ये दिल्ली से आ रहा था कोटा का। दिल्ली से कोटा जा रही थी? हाँ, हम जा रहे थे टोंक। कैसा हुआ, कैसे लगी आग? तो सब आदमी सो रहे थे, 1-2 के बीच में लगा है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत हुआ है, बहुत नुकसान हो गया। मेरा खुद हो गया 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान। 2 पार्सल बच गया, मेरा तो लाखों रुपये का माल था और उसमें 2 पार्सल बच गया, 2 जल गया पूरा। किस तरह का नुकसान हुआ, क्या क्या सामान था? खिलौने का आइटम था, खिलौने का और भी बहुत आदमी का कपड़ा वगैरह था, घर संसार का आइटम था, मशीन वगैरह ये सब, कपड़ा वपड़ा सब, बहुत सामान पूरा जल गया। कैसे आग कैसे लगी थी? आग कैसे लगी थी नहीं पता, हम लोग सब आदमी सो रखे थे, गाड़ी चल रहा था। तुम्हें कैसे पता चला? बस 1-2 के बीच में, मतलब ऐसे ही हम लोग तो सोए हुए थे, कोई आदमी अंदर से हल्ला वल्ला हुआ कि आग लगा वगला, फिर गाड़ी लगा के फिर आग को भुताने की कोशिश किया, भुता ही नहीं, इतना हेवी लगा हुआ था। फिर जाके वो पानी वाला गाड़ी आया 2, फिर उसके बाद भुताए उनसे।